बिरबल, अपने मैजिक से इन 30 को ब्रेक करो और उनके 8 डांड या पेयर्स बनाओ। बिरबा नाम है मेरा, डांडिया बनाना काम है तेरा। नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो ये बोल रहा था स्वामी कि हम बुराई की ताकत बढ़ाना छोड़कर अब डांडिया खेलेंगे क्या? ये तुम्हारी तरह ऑर्डिनरी नहीं है। ये माइंड कंट्रोल करने वाले मैजिकल डांडिया स्टिक्स है। ये समझ लो कि इस रिमोट से मैं बाकी के 7 डांडिया के पेयर्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। एक डांडिया से बाकी के 7 नियंत्रित हो गए, उससे होगा क्या? सवाल ये है मेरा। अपने सिर को इस पत्थर पे मारो। पत्थर पे आपका सर है। अब मेंढक की तरह कूदो। अब गोल गोल घूमो। अब ये डांडे जहां से उठाई थी वहीं वापस रख दो। कैसा महसूस हो रहा है? सर घूम रहा है। पर ये सब हुआ कैसे? ये हुआ है इन मैजिकल डांडिया स्टिक्स। जिस तरह इस डांडिया ने तुमको कंट्रोल किया है, ठीक उसी तरह जो भी इन बाकी के बचे हुए 7 पेयर्स का यूज करेगा उनका कंट्रोल मेरे हाथ में होगा। दैट मींस 7 किड्स एक साथ मेरे कंट्रोल में होंगे। इसे कहते हैं मैच विनिंग शॉट। और फिर उन 7 बच्चों को शिंकाई में लाकर उनकी अच्छी आत्मा को अपने कब्जे में ले लेंगे। और फिर रे को मिल जाएंगे एक साथ 7 सर। और इस बीच दोनों बालवीर जिस अखंड दिए को जलाने वाले हैं उसे बिरबा नष्ट करेगी और उनकी अखंड पूजा में विघ्न डालेगी। विसर्जन तक इस अखंड दिए को बुझने नहीं देना है, उसके पश्चात नवदुर्गा की कृपा आप सब पर बनी रहेगी। बोलो अम्बे मात की जय। मुझे पूरा विश्वास है कि आज रात वो इस अखंड दिए को बुझाने जरूर आएंगे। अगर ऐसा है तो आप यहाँ की सिक्योरिटी संभालिए भैया, और मैं खुशी दीदी से सच जानने की कोशिश करता हूँ। बिरबा, तुम दिया बुझाने के लिए तब जाना जब रे तुम्हें इशारा करे। और रे, तुम रिंको और खुशी को समझा दो कि वो डांडिया स्टिक्स उन्हें 7 बच्चों को देनी है। ओके मिस्टर वी। अरे चलना, खड़ा क्यों है? अरे फिसल स्लाइड नहीं दे रही, चल। हाँ हाँ चल चल। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? माँ वो साथ रहो पर चलो प्रार्थना करो। अरे यार, ये मम्मी लोग की हमें रोकने की टाइमिंग इतनी परफेक्ट कैसी होती है? हाँ। ये रिंकू तो मम्मी के साथ बिजी हो गया, लगता है मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। Remember, जिन 7 किड्स को तुम्हें डांडे स्टिक्स दोगी, वो 10 से 12 साल या उससे कम उम्र के होने चाहिए। ओके भैया। रिंकू का? वो क्यों नहीं आया? रिंकू को उसकी मम्मी ने रोक दिया था।
पर डोंट वरी भैया, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। विवान, खुशी को कोई काम दिया गया है। वो देने वाला टीचर कौन है भैया? पता नहीं विवान, मैं उसे देख नहीं पाया, लेकिन वो जो कोई भी है यही कहीं आसपास है और खुशी पर हर वक्त नजर बनाए हुए हैं, ये देखने के लिए कि वो ठीक से काम कर रही है या नहीं। मैं उसे ढूंढता हूँ, तब तक तुम खुशी से पता करने की कोशिश करो कि उसे क्या काम दिया गया है। ओके देवु भैया। ओके। अरे वाह बेटा वाह, इतना बढ़िया डांडिया का कलेक्शन है, लाओ लाओ लाओ। नहीं ये आपके लिए नहीं है। मतलब? मेरा मतलब ये है कि ये बच्चों के लिए है ना, यू नो माई फ्रेंड्स, आपके लिए तो ये वाली। सॉरी बेटा, सॉरी, जीती रहो। हाँ कोई बात नहीं। ये लीजिए। सुतली ये ले, ये। अरे सुतली ये लेना, तू मुझसे नाराज है? अरे वो तो बस एक प्रैंक था, फ्रेंड्स तो करते हैं ना ऐसा। अच्छा ये देख, मैंने तेरे लिए स्पेशली ये डांडिया बनवाई है। मेरी? हाँ। थैंक यू। परम फ्रेंड है ना, तो प्लीज आज के बाद ऐसा बिहेव मत करना। ओके चल डांडिया खेलते हैं। हाँ हाँ खेलेंगे ना, लेकिन थोड़ी देर बाद, अभी मुझे विवान को ढूंढना है। ठीक है। अब रे भैया से कंट्रोल करेंगे, असली प्रैंक तो अब किए थे सच सुतली। हम दोनों मैग्नेट्स की तरह है, बार बार टकराते ही रहते हैं। रॉन्ग एग्जांपल, बिकॉज मैग्नेट के ऑपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन हम दोनों तो एक जैसे हैं, राइट? रॉन्ग, हम दोनों एक जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि तुम पूरब हो तो मैं पश्चिम। हाँ ये सही कहा तुमने, क्योंकि सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में ढलता है, इसका मतलब मैं उगता हुआ सूरज हूं और तुम ढलते हो। सूरज ना ही कभी उगता है और ना ही कभी डूबता है, बल्कि दुनिया गोल घूमती है, और वो भी तुम्हारी बातों की तरह। बातों से याद आया कि बातें करने का मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, सो यू नो प्लीज गिव मी माय डांडिया बैक। हेलो मिस्टर डबू, तुम रे को भी अपनी जैसी डांडिया देना चाहते हो क्या? क्यों, ये डांडिया इतने अच्छे हैं? बहुत ही ज्यादा बुरी है, इसे देख के माय आईज आर लाइक हर्टिंग। एनीवेज रे, मैं हम दोनों के लिए मैचिंग मैचिंग डांडिया लेके आई। एक्सक्यूज मी, लेकिन ये डांडिया एक्चुअली मेरे नहीं है। बहुत ही ज्यादा बुरी है, एंड आई थिंक ये तुम पे ही ज्यादा सूट करेगी, सो यू ओनली कीप इट। नहीं नहीं, ये रे पे ज्यादा सूट करेगी, है ना रे? यू मी, एनीवेज आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। रे ये लो। अब डांडिया तो मैं तुम्हारे इन कलरफुल डांडिया से खेलूंगा, लेकिन ये भी तो ये बहुत ही खराब है। लेट डब्बू ओनली प्ले विद इट, तुम चलो मेरे साथ। बस एक और बच्चे को देनी है कि ये भैया की मैजिकल डांडिया, फिर मेरा काम पूरा। डोनेशन दीजिए, पुण्य कमाइए, फ्री फ्री, फ्री।
आपका रूप तो ले लिया पर शिंकाई विलंज के ब्रांड के बारे में कुछ भी नहीं जान पाया। खुशी खुशी ये सारे बच्चे कहाँ गए मुझे भी बताओ ना, मैं भी तो तुम्हारा पार्टनर हूँ। अब जानकर क्या करेगा, अब तो प्लान स्टार्ट भी हो गया है, अब सीधा रिजल्ट ही देख लेना। सब काम ठीक से हो रहा है। बम्बल श्री, मैं अखंड दिए को नहीं बुझा पाई, हमें योजना के दूसरे चरण में जाना ही होगा। मैं यहाँ बालवीर को उलझा के रखने की कोशिश करती हूँ, आप विवान को उलझा के रखने की कोशिश करिए। उलझन में तो मुझे विवान ने डाल रखा है। गुलाब जामुन, जलेबी। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा महायोद्धा बालवीर ऐसा क्यों कर रहा है, और अगर ये ऐसा कर रहा है तो जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा। बिरबा, तुम वहां पर बालवीर को उलझाए रखो, मैं यहाँ इस विवान पे नजर रखता हूँ ताकि रे बिना किसी रुकावट के उन बच्चों को यहाँ से ले जा सके। उस विवान की वजह से जलेबी हाथ से गई थी, अब उसके बदले उसके घर का सारा खाना खा जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे क्या खाऊं और क्या नहीं खाऊं? गुलाब जामुन से शुरुआत करता हूं। बुराई की खुशबू विवान के घर में, या विवान के कमरे में बुराई कहां से घुस गई? खुशबू यहां से आ रही है। मुझे मारना नहीं, मुझे माफ करना, मुझे। अरे तू तो हमारा ही प्यादा है रिंकू, आलसी कमजोर, तू अलमारी में क्या कर रहा था? तू तो रे के पीछे गया था ना? मैं कब रे भैया के पीछे गया था? मैं तो हैं क्या? अरे अरे कहीं दोनों बालवीर ने तेरा सच तो नहीं जान गए कि तू हमारा साथी है? अरे, 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 अरे रुको, बोलो। यहाँ एक मास्टरमाइंड सब बच्चों को कंट्रोल करके ले आया है, आज वो बचेगा नहीं, मैं रिंकू बनके ही उनका प्लान से बचता हूँ और फ्लॉप करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ उनकी महिला साथी को पकड़ता हूँ, आज एक भी शिंकाई का दुश्मन नहीं बचेगा हमसे। अरे ये हुला किसने रख दिया? विवान, डांडिया में जलेबी की तरह गोल गोल डांस करने के बजाय तू यहाँ बैठ के जलेबी गुल कर रहा है? ची 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 विवान, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ तो मैं भी कहूँ विवान। क्या
मेरे कहने का मतलब ना कि मैंने कहा मैं ही विमान हूँ और कोई नहीं। मैंने कब कहा कि तू विवान नहीं है? वो अच्छा आपने नहीं कहा? नहीं ठीक है मैं तो बस वो क्या बोलते हैं क्लियर क्लियर कर रहा था कि मैं ही विवान हूँ। कभी बोलते विवान है कभी बोलते विवान नहीं है। नहीं नहीं मैं ही विवान हूँ। तेरी तबीयत ठीक है ना? मुझे लगता है ज्यादा मीठा खाने से तेरे दिमाग पर असर हुआ है। चल धोखा। मैं अभी तक जिसे हीरा समझ रहा था वो तो कांच का टुकड़ा निकला। विवान कब तक बच पाओगे मुझसे? स्वामी 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 One by one, all seven kids जाएंगे शिंकाई और फिर इनकी अच्छाई की आहुति देकर मुझे मिलेंगे मेरे बाकी के seven heads। ये झंडू अचानक से visible से invisible कैसे हो गया? लगता है मुझे भी वहां जाकर find out करना ही पड़ेगा। ये तो हमारा खेल हमारे साथ ही खेल रहा है। इसकी सजा मिलेगी, बहुत दर्दनाक मिलेगी। ये लो। इससे तुम्हें शक्तियां मिलेंगी और जाओ जाकर रोको उस विवान को जो इस वक्त नकली रिंकू बनकर खड़ा है। तुझे क्या लगा तू रिंकू बन के हमारा प्लान फेल कर देगा और हमें इस बात का पता भी नहीं चलेगा? आप अपना काम कंटिन्यू कीजिए। अभी तो इस विवान को सिर्फ 100 मीटर दूर फेंका है, अभी इसे 100 किलोमीटर दूर फेंकूंगा। कभी सोचा नहीं था एक दिन खुशी दीदी मुझे पंच मारकर चार्ज करने की। बिरवा को यह संदेश देना जरूरी है कि बड़े बालवीर को इस छोटे बालवीर की मदद करने के लिए यहां ना आने दें। दीदी आप चाहे मुझ पर जितना भी अटैक कर लीजिए लेकिन मैं आपको और इंकू को हर्ट नहीं कर सकता। लेकिन मैं बाकी बच्चों को तो यहाँ से डिसअपीयर होने से रोक सकता हूँ। तू बच्चों की तरह एक भी स्टेप नहीं ले सकता विवान। रिंकू ये तू क्या कर रहा है? भूल गया हम अपनी बर्डन फ्रेंड्स को हर्ट नहीं करते। लेकिन मैं तो तेरी पलटन में नहीं हूं ना लिटिल ब्रदर। hmm.
मैं रिंकू और खुशी दीदी में अपनी पावर से अटैक नहीं कर सकता, पर इन्हें रोकना तो पड़ेगा। क्या हुआ विवान, फ्रीज क्यों हो गया? हमसे बचने का कोई आइडिया नहीं मिल रहा है क्या? फ्रीज? यस, मैं दीदी और रिंकू को फ्रीज कर देता हूँ। पावर ने तो मेरे अपनों का ही डबल फोर्स खड़ा किया है मेरे सामने, अब तो मुझे भी अपना स्पेशल मैजिक यूज करना ही पड़ेगा। यस, चल चल जादू। दीदी, मेरा प्लान तो सिर्फ हम सबको शिंकाई विलन से सेव करने का है, और उसमें मुझे मेरी दीदी की हेल्प। मैं अपनी एनिमी टीम की हेल्प नहीं करती। दीदी, हम तो एक ही टीम है ना, पर प्रॉब्लम चाहे मैथ्स की हो या लाइफ की, माँ के कान खींचने से मुझे बचाना हो या माँ के हाथों मेरा फेवरेट खाना बनवाना हो, हमेशा हमेशा आपने मेरा साथ दिया है दीदी। पर अब मैं तेरी खुशी दीदी नहीं हूँ भगवान, और अगर तूने ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की तो नहीं दीदी, दीदी प्लीज प्लीज खुद को चोट मत पहुंचाइए। नहीं पहुंचाऊंगी, अगर तूने मेरी बात मानी तो। हाँ दीदी, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। आपको जितना अटैक करना है कर लीजिए मुझ पर, जितना हर्ट करना है मुझे कर लीजिए, बट प्लीज अपने आप को कुछ मत कीजिए। अक्का। दीदी, मैंने कभी भी आपसे कोई झूठा प्रॉमिस किया है क्या? आपके और माँ के लिए तो मैं पूरे वर्ल्ड से फाइट करने के लिए रेडी हूँ, और रक्षाबंधन में आपकी रक्षा का प्रॉमिस किया था मैंने, और आज भी इस प्रॉमिस को आपका भाई नहीं टूटने देगा। आपको जितना अटैक करना है कर लीजिए मुझ पर। रिंकू, बाहर से। मत कर पगली, मत कर, मत रुला, कमजोर देखा हूँ, मत रुला। स्वामी, इतनी खुशी के आंसू पहले कभी नहीं आए जितनी विवान को अपनी बहन की वजह से मार खाते देख आ रहे। स्वामी, मैं तो कहता हूँ कर लीजिए आप भी अपना थोड़ा मुंह साफ, मतलब हाथ साफ। नहीं ब्रिगेंजा, हमें खेल यहीं खड़ा होकर देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर विवान किसी भी तरह उन बच्चों तक पहुंच गया तो मुझे ही उसे रोकना होगा, ताकि रे को समय मिल जाए कि वो सभी बच्चों को शिंकाई पहुंचा सके। आज तो मारने और मरने दोनों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। स्वामी, मैं तो जिंदा ही अच्छा लगता हूँ। मैं क्या कहता हूँ कि मैं यहाँ की जगह वहां बीरबा क्या कर रहे बड़े बालवीर के साथ उसकी जानकारी लेकर आता हूँ, है ना? आप मरिए, मेरा मतलब है लगे रहिए, मैं आता हूँ। आपने मेरे डांडिया गिरे हुए कहीं दिखे क्या? मेरे खो गए हैं, नहीं मिल रहे।
बालवीर, अब मैं इसके शरीर में हूँ। अगर तुम मुझ पर वार करोगे तो मैं नहीं मरूंगी, ये मरेगी। और अगर मेरे वार से बचोगे तो मैं इसके शरीर के परखच्चे उड़ा दूंगी। तुम चाहे मुझ पर कितने ही वार क्यों ना कर लो, मैं अपनों पर वार नहीं करूंगा। पद्मिनी जी, आप क्यों मार रही थी बुकू? जो मुझे रोकेगा मैं उसमें चली जाऊंगी। वाह, क्या बढ़िया खेल चल रहा है यहाँ पर। वाह बिरबा वाह, स्वामी को बताना पड़ेगा। देवू भैया प्लीज हेल्प। क्या हुआ विवान, कैसी हेल्प? मेरे हाथ बंद है देवू भैया। पावर्स है पर यूज नहीं कर सकता क्योंकि सामने विलन्स ने रिंकू और खुशी दी है। एंड यू नो भैया, विवान अपने आप को हर्ट होने दे सकता है बट अपनों पे एक आंच भी नहीं आने दे सकता। ऐसा तो मेरे साथ भी हो रहा है विवान, और यहाँ पर मेरे सामने भी दुश्मन है, लेकिन मैं उन पर अटैक नहीं कर सकता क्योंकि उसने पद्मिनी जी और शालिनी जी को अपनी ढाल बना लिया है। You mean, शिंकाई विलेज ने बहुत चार्ज से अपनों के सामने अपने खड़े किए हैं। आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें भैया? वो हेलो आंटी, डब्बू के कान खींचने का मन तो मेरा भी करता है पर आप अभी इसे क्यों मार रही हैं? इस डब्बू को मारने का फन मैं कैसे मिस कर सकती हूँ? यू? Yes, me. अरे काय करते? अनन्या, क्यों मार रही हो बेचारे देवू को? आप तो बदल गई, कड़वे करेले से सीधा मीठा आम बन गई। अभी तो देवू को मार रही थी। मैं कहाँ मार रही थी पद्मिनी जी? वो तो आप ही मार रही थी। Only two more kids to go. देवो भैया, भैया पांच बच्चे डिसअपीयर हो चुके हैं, सिर्फ लास्ट दो बचे हैं, क्या हम परियों को बुला लें? हाँ बुआ, ये सही रहेगा। मैंने एक योजना बनाई है, मैं ध्वनि परी को संदेश भेजता ताकि वो यहाँ आकर मेरी योजना पर काम कर सके। ध्वनि परी, ध्वनि परी, तुरंत भारत नगर में आइए। ध्वनि परी, अनन्या क्यों मार रही हो मेरे देवू को?
नहीं मारो, बहुत परेशान कर रखा इसने मुझे। हाँ सुनता नहीं है, कर रखा है। अरे माँ, उसकी खैर नहीं। अरे माँ, मैं सुधार के रहूंगी तुझे, मैं सुधार के रहूँ। आंटी आप ये क्या कर रही हैं? आप डब्बू को क्यों मार रही हैं? आंटी आप लोग ही कुछ बोलिए ना प्लीज। अरे वाह, ये भी कड़वे करेले से सीधा मीठा आम बन गई। करुणा जी अब बस भी करिए ना। ड्रॉप इट करना आंटी, क्या बढ़िया खेल चल रहा है यहाँ पे। पापा जी अब क्या करिए, छोड़े देवू को। करुणा जी देवू को मारना बंद करिए। बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों के शरीर में घुसने का, तुम्हारी इसी चाल को मैंने तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर दिया है और तुम्हें ध्वनि परी के शरीर में कैद कर दिया है। ध्वनि परी? ध्वनि परी की इच्छा के बिना अब तुम बाहर नहीं आ सकती और ना ही किसी को चोट पहुंचा सकती हो। ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं? बाय द वे आंटी आप डब्बू को क्यों मार रही थी? हाँ? अरे बोलो नहीं, सुनो अनन्या, मैंने कब मारा? मैं तो बचाने आई थी, मार तो तुम रही थी। नहीं आंटी, वो तो शालिनी आंटी मार रही थी उसे। हाँ, क्या बात कर रही हो अनन्या। अरे मैं कहा वो तो पद्मिनी जी मार रही थी देवू को। देखा वापस से पलट गई। कड़वे करेले से मीठा आम कैसे तुरंत बन जाती है? देखिए आप पलट जाइए लेकिन झूठ तो मत बोलिए। करुणा जी मार रही थी देवू को। मैंने कब मारा? अरे सोनी परी, विवान को मेरी मदद की जरूरत है, मैं वहां जा रहा हूँ। तब तक आप बिरबा को अपने शरीर में कैद रखिएगा और इन सब की याददाश्त भी मिटा दीजिएगा। अरे ये तो बात से उल्टी बढ़ती स्वामी। अरे हम सब लोग डांडिया का फंक्शन छोड़ के यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं अपना डांडिया ढूंढ रही थी। डांडिया कहाँ है? हम यहाँ आए कैसे? अरे लेकिन हम सब अगर यहाँ है तो वहाँ डांडिया के पंडाल में रौनक कहाँ होगी? चलो चलते। हाँ चलो चलो। बस ये आखिरी बच्ची भी जाने वाली है शिंकाई। आज मिलेंगे रे को 10 सर, आज बनेगा रे कलयुग का रावण। क्या हो गया देवो भैया? क्या देवो भैया, आप भी अपने फिल्मों के पुलिस की तरह लेट आए। शिंकाई वाले अपने साथ भारत नगर के बच्चों को ले गए। Yeah.
व्हाट अ ग्रेट डे फॉर रे। अब खुशी और रिंकू की तरह इन बाकी के साथ बच्चों की भी कुछ सोच निकाल लूंगा मैं और मिल जाएंगे मुझे मेरे 10 साल। क्या हुआ? अरे तुम्हारे साथ हमेशा बुरा होता है तो बुरा ही हुआ करना। बोलो क्या, तुम्हें भी इनकी तरह हैंग कर दूं? नहीं नहीं नहीं, मैं तो ये बोल रहा था कि बिरबा बिरबा को कैद कर दिया एक परी के शरीर के अंदर उस बड़े बालवीर ने। सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों बालवीर उस काले गोले के पास पहुंच गए जिससे तुम इन बच्चों को यहाँ लेकर आए, और अगर उन दोनों ने उस पे कदम रख दिया तो वो सीधा यहाँ पहुंच जाएंगे। ऐसा मैंने, ऐसा तो आप बोलेंगे स्वामी। यहाँ एक ब्लैक सर्कल क्रिएट करके और इसी के थ्रू शिंकाई वाले बच्चों को अपने साथ ले गई थी। अगर हमें बच्चों को बचाना है तो हमें भी ब्लैक सर्कल के अंदर जाना होगा। हमें दोनों बालवीर को रोकना होगा। But right now मेरे लिए बच्चों की सोल निकालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चाहे बालवीर आए या कोई आंधी तूफान, लेकिन अपने 10 सर तो पाके रहूंगा मैं और बन जाऊंगा महाशक्तिशाली। अगर उससे पहले वो यहां आ गए तो हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा। इस आखिरी बच्ची की आत्मा हम बाद में भी ले सकते हैं, हमें और मौके मिलेंगे। कल के जीत के लिए आज की विक्ट्री कैसे छोड़ दूं मैं मिस्टर बी? टुडे इज माय डे, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। आने दीजिए उन दोनों बालवीरों को, आज यही उनका हैप्पी डेथ डे सेलिब्रेट करूंगा। आई एम गोना किल देम मिस्टर बी, आई एम गोना किल देम। रे, अभी चलो यहां से। कभी कभी हार में भी जीत छुपी रहती है। नो मिस्टर बी, आज मैं अपनी डिक्शनरी में से हार का वर्ड ही रेस कर दूंगा। अरे स्वामी, इसे मरना है तो मरने दीजिए, बुराई की असली ताकत तो मैं हूं। मैं मुझे बचाने के बारे में सोचिए। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। स्वामी, 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 मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। अब बालवीर को रे नहीं दिखेगा। Happy death day to you, happy death day to you Baalveers, happy death day to... यहाँ तो सब डिसअपीयर हो रहा है। हमें इन बच्चों को गायब होने से रोकना होगा। Baalveer, Baalveer, Baalveer.
भैया लगता है हम सब सती को बचा पाए क्योंकि बाकी बच्चों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उनकी अच्छी सोल शिंकाई विलन ने उनसे छीन ली है। पता नहीं भारत नगर में कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है विमान। मैंने इन बच्चों को निद्रा अवस्था में डाल दिया है विवान। अब ये भारत नगर में जाकर कोई परेशानी खड़ी नहीं कर पाएंगे। बट भैया ये तो टेम्पररी सॉल्यूशन है। हाँ विवान, इन बच्चों को ठीक करने के लिए और इन्हें यहाँ पर कौन लाया था ये सच्चाई जानने के लिए बीरबा से पूछताछ करनी पड़ेगी जो ध्वनि परी के शरीर में कैद है। तो चले आंसर लेने। हाँ लेकिन हमें अपने साथ इन बच्चों को भी ले जाना होगा इनकी सुरक्षा के लिए। तुम्हें क्या लगता है तुम ज्यादा देर तक मुझे इसके अंदर कैद कर पाओगी? नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। ठीक है तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूं ध्वनि परी के शरीर से तुम्हें आजाद कर देता हूं। भैया ये आपने इन्हें सेपरेट क्यों कर दिया? ये तो रेसिंग चैंपियन है अगर ये भाग गई तो। चिंता मत करो विवान मैंने ध्वनि परी को बिरबा के शरीर से अलग किया है उसके दिमाग से नहीं। ध्वनि परी अभी भी सुनहरे धागे से बिरबा के दिमाग से जुड़ी हुई है और इसलिए हर राज जो बिरबा के दिमाग में छुपा है वो ध्वनि परी हमें बता सकती है। सो ध्वनि परी जल्दी से आप इनके दिमाग को रीड करना शुरू कीजिए। मेरा नाम बीरबा है। बताओ बच्चों के शरीर से उनकी आत्मा क्यों छीनी है तुमने? नहीं बताऊंगी। नवरात्रि 9 बच्चे 9 सर दोनों बालवीरों से ज्यादा पावरफुल बनना। 9 बच्चे 9 सर और 1 पहले से मतलब 10। इसका मतलब कोई मॉडर्न टाइम का 10 सर वाला रावण बनने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ 1 सर बाकी रह गया था मिस्टर बी, ओनली 1 हेड। फिर आप मुझे वापस क्यों ले आए? आई वाज सो क्लोज, आई वाज दिस क्लोज। बस इतने पास थे तुम दुश्मन के सामने आने से, इतनी दूर थे उन्हें ये पता लगने से कि तुम कौन हो। भजा कर ले आया मैं वहां से तुम्हें और इन गुब्बारों को जिनमें अभी भी उन बच्चों की आत्मा बंद है। अब किसी और बच्चे को उठाते हैं और उसकी आत्मा को गुब्बारे में हवा की तरह भरते हैं। वहां पे हो गया अंदर और यहाँ पे आ गया इसका 10वां सर और फिर मैं बन जाऊंगा महाशक्तिशाली। नहीं ऐसा रे बोलेगा। नहीं अब इस बलून में किसी और बच्चे की सोल नहीं जा सकती। अरे बच्चे की नहीं तो स्वामी की डाल देते। लेकिन ऐसा क्यों? हाँ क्यों 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 रे? लुक एट दैट 9 बलून मिस्टर बी, उसमें जो आंखें है वो उसी बच्चे की है और इन्हीं आंखों की वजह से उस लड़की का नाम इस बलून में कैद हो गया। अब इस बलून में सिर्फ उसी बच्चे की सोल जा सकती है और किसी की नहीं। अब तक तो बिरबा ने बता दिया होगा दोनों बालवीर को हमारे और हमारी योजना के बारे में। बच्ची को बचा लिया।
वो फिर आएंगे। सोल रावण बनेगा। रावण बनाकर क्या करना चाहते हो तुम लोग? शिंकाई महाशक्तिशाली होगा। जय काल होगा। फिकर नॉट, वैसे भी हम आपके प्लान पर पानी ही फेर देंगे। सो अब जल्द से जल्द बताइए कि बच्चों की आत्मा को वापस कैसे लाया जा सकता है। उन गुब्बारों को नष्ट करो जिनके अंदर उनके सोल बंद है। अब जल्दी से ये बताओ कि तुम्हारे साथी कौन है, रावण कौन बनने वाला है? नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। लगता है ये परी कमजोर पड़ चुकी है। इसकी कमजोरी अब मुझे बालवीर की मैजिक से बचकर निकलने में मदद करेगी। विवान नाम है मेरा, इगड़ी बनाना काम है मेरा। दिमाग का खेल खेलना है ना, तो ठीक है मैं भी दिमाग से खेलूंगी। बीरबा से जुड़े रहने के लिए बीरबा जैसी सहन शक्ति भी चाहिए। अगर इस बार हमें विलेंस के आइडेंटिटी का पता चल जाता, सो हम उनके प्लान पर कॉमा नहीं फुल स्टॉप लगाते थे। कोई बात नहीं दोनी परी, आप भी लोग जाइए और शौर्य को इस सब के बारे में बताइए। तब तक हम भी बच्चों को ठीक करने का कोई और उपाय ढूंढते हैं। ठीक है बालवीर। हम और इंतजार नहीं कर सकते, इन बच्चों को ठीक करने का कोई रास्ता ढूंढना ही होगा, वरना भारत नगर वाले परेशान हो जाएंगे और इन बच्चों को ढूंढने लगेंगे। और तो और हम इन्हें इनके एविल माइंड्स की साख भी नहीं रख सकते, वरना पता नहीं कौन सा डिजास्टर क्रिएट कर देंगे। निर्भा बीरबा, तुम ठीक तो हो ना बीरबा? मम्माल श्री, सुंदरे, सुंदरे, बालवीर, शौर्य ने इन बच्चों को ठीक करने का उपाय ढूंढ लिया है। क्या उपाय है ध्वनि परी? वीर वस्त्र। वीर वस्त्र? हाँ बीरबा, इसे अच्छाई और सच्चाई का चोला भी कहा जा सकता है। ये वस्त्र अदृश्य है और ये बच्चों की बुराई पे भी नियंत्रण रखेगा। इन्हें अच्छे बच्चों की तरह रखेगा। और पता है इन बच्चों को तो याद भी नहीं रहेगा कि इनकी आत्मा इनके अंदर है ही नहीं। सुतली को वीर वस्त्र की जरूरत नहीं है, उसके अंदर अभी भी उसकी असली आत्मा है। हमें सिर्फ उसकी याददाश्त मिटानी है।
और एक बात बालवीर, इस वस्त्र का असर ज्यादा से ज्यादा 2 दिन तक ही रहेगा। इसका मतलब अब केवल हमारे पास 2 दिन है शिंकाई के उस दुश्मन को पूर्ण रावण बनने से रोकने के लिए और बलून्स में से बच्चों के असली सोल को वापस लाने के लिए। नो नो बिरबा, नेवर एवर। बच्चों की सोल बच्चों के पास वापस नहीं जाएगी। सोल को पाना तो क्या, सोल तक पहुंचना इतना डेंजरस बना दूंगा बालवीर के लिए कि उसकी खुद की सोल कांप जाएगी इस बलून तक पहुंचने से पहले। टेंथ हेड जल्दी मिलेगा मुझे, और वैसे भी बीरबा से सिर्फ उन्हें हमारे प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, हमारी आइडेंटिटी की नहीं। एंड अब तो गेम और इंटरेस्टिंग हो गया है क्योंकि कल नवमी है और नवमी के दिन मिलेगी मुझे नवे बच्चे की सोल, यानी सूतले की सोल।